हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कार लाइट। एंड गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 स्कोडा स्लाविया सेकंड बेस मॉडल एम्बिशन आपके सामने खड़ी हुई। इसी वेरिएंट में आपको सब कुछ मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। हर एक बात इस व्हीकल के रिगार्डिंग हम लोग करने वाले हैं कि 2024 में इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर एमिशन वेट सेफ्टी फीचर्स, किस प्राइस पॉइंट पे आती है, बूट स्पेस माइलेज वगैरह, एंड कितनी ये व्हीकल आपके लिए बढ़िया हो जाती है इसके कॉम्पिटिटर्स लाइक सिटी वरना एंड या फिर अपने भाई जाते हैं तो वर्टस वगैरह से कितनी बढ़िया निकल के आ जाती है, हर एक बात डिटेल में करने वाले हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पर नहीं थे उसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेरिजन में छपाने के लिए। वाराणसी नियर बाय से बिलोंग करते हो, स्कोडा की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल अब स्कोडा पे आ सकते हैं। सो उनका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। गाइस, की से तो कुछ ऐसी की यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाती है भाई अपने स्लाविया में। यहाँ पे कुछ 3 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक ट्रंक ओपन करने का। पीछे स्कोडा ब्रांडिंग सेम 2 पीस मिल रही है भाई। एंड गाइस, अगर बात करते हैं प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की, तो स्कोडा स्लाविया ऑफर होती है 17 वेरिएंट एंड 8 कलर ऑप्शन के साथ। प्राइसिंग की बात करेंगे तो बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 11.5 लाख एक्सरूम, टॉप मॉडल तक जाती है 19.13 लाख एक्सरूम। आपके सामने एम्बिशन वेरिएंट खड़ी हुई है 1 लीटर, एंड उसके बाद इसकी जो प्राइस पड़ती है 13.43 लाख एक्सरूम कॉस्ट करेगी एंड 15.5 लाख तक ये आपको ऑन रोड चली जाएगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंस सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है भाई। एंड अब स्टार्ट करते हैं भाई इसके ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल से। कुछ ऐसी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है, हालांकि थोड़ा सा स्पेस इधर कम है तो आप लोग प्लीज़ मैनेज करिएगा सिर्फ फ्रंट प्रोफाइल में। एंड गाइस, कुछ ऐसी फ्रंट प्रोफाइल आ रही है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे आप, काफ़ी बढ़िया साइज का विंडशील आ रहा है, यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जा रहे हैं। एंड गाइस, ये इसका ओवरऑल हुड काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन का हुड मिलता है, बीच में स्कोडा का ये 3D लोगो आ रहा है, इसी से ये भाई कट बीच में एक जा रहा है, जो कि व्हीकल के लुक को एज वेल एज एरोडायनेमिक से भी प्रोवाइड करा देता है, जो कि हाई स्पीड में व्हीकल काफ़ी स्टेबल रखने में ये हेल्प करता है। एंड ग्रिल अगर देखें गाइस, कुछ ऐसा ओवरऑल ग्रिल मिल रहा है, जहाँ पे आपको बॉर्डरिंग यहाँ पे क्रोम से मिल जाती है एंड यहाँ पे ही आपको पियानो ब्लैक की ट्रीटमेंट मिल जा रही है। रिफ्लेक्टर भी हैलोजन सेटअप के साथ अपने को हेडलाइट मिलेंगी, टर्न सिग्नल की प्लेसमेंट वो भी हैलोजन है, LED DRLs आ जा रही है, नीचे फॉग लैंप की प्लेसमेंट क्रोम इंसर्ट्स मिल जा रही है, यहाँ पे टोइंग हुक की सेटअप मिलेगी, नीचे लोअर ग्रिल आपको हनीकॉम डिज़ाइन में मिल जाती है। बाकी गाइस, ये थी इसके ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, को भी बाकी सेंसर फ्रंट में अपने को नहीं देखने को मिलते हैं। एंड ये क्रोम इंसर्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। आप साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो ये गाइस इसकी ओवरऑल अपनी लेफ्ट साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया सी पूरी साइड प्रोफाइल मिलती है। फेंडर पे अपने को भाई स्कोडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि पियानो ब्लैक क्रोम इंसर्ट के साथ है। एंड व्हील को देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे आपको एलॉय व्हील देखने को मिल रही है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर हो रहे हैं। एंड टायर प्रोफाइल की बात करेंगे 205x55 सेक्शन टायर मिल रहे हैं विद 60 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल अपने को वॉल्व मिली, बॉडी कलर वॉल्व में टर्न सिग्नल, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, कुछ क्रोम इंसर्ट्स भी मिल रही है। यहाँ पे आपको ड्राइवर को ड्राइवर साइड इक्वल सेंसर फिजिकल कीनोब आपको भाई ड्राइवर साइड ही सिर्फ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई बिडिंग और रूफ पोस्ट ब्लैक कलर में। बाकी रियर में ड्रम ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, काफ़ी लंबी सी व्हीकल ओवरऑल लगती है। बूट स्पेस गाइस इसका काफ़ी बढ़िया, मैं भी आपको पीछे चलूँगा बिल्कुल दिखाऊंगा भाई। एंड अब आ जा रहे हैं इसके हम लोग राइट साइड प्रोफाइल की तरफ, तो गाइस ये इसकी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल सेम लेफ्ट साइड की तरह आ रहा है, बट राइट साइड प्रोफाइल में रियर फेंडर में अपने को फ्यूल लोब मिल जाता है, जो कि आता है 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। और ये प्रोफाइल आप लोगों ने देख ही लिया। एंड अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, थोड़ा सा भाई चेयर वगैरह को साइड करते हैं। ये भाई इसके ओवरऑल रियर प्रोफाइल, ऊपर अपने को मिल रहा है साफिन एंटीना, जो कि आ रही है ब्लैक कलर में, यहाँ पे डिफॉगर, हाइमेंटो स्टॉप लैंप। आपको मालूम हो गया भाई अपने सेडान में वाइपर नहीं आता, स्कोडा की 3D ब्रांडिंग अपने ट्रंक में आ जाएगी। टेल लैंप को देखते हैं, यहाँ पे आपको DRL एज LED मिलता है, बाकी रिवर्स लाइट, टर्न सिग्नल आपको हैलोजन मिलेगा, ब्रेक लाइट उसमें आता है, 3 पार्किंग सेंसर, 9 फोकसर, रिफ्लेक्टर, एंड नीचे अपने को भाई एग्जॉस्ट की प्लेस में मिलेगी। काफ़ी बढ़िया ओवरऑल रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, एंड हाई स्पीड में काफ़ी अच्छी तरीके से व्हीकल स्टेबल रहती है। रियर कैमरा प्लेस में मिल जाती है, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप स्लाविया की 3D ब्रांडिंग मिल जाती है। अगर देख लेते हैं भाई बूट स्पेस को, काफ़ी क्यूटली अपना भाई ट्रंक ओपन होता है, 64 स्प्लिट सीट आ जा रही है। इन सेगमेंट काफ़ी बढ़िया अपने को स्लाविया में बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सिटी से वरना से तो ठीक मिल जा रहा है, देख रहे हैं तो 521 लीटर मैसिव बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको भाई मिल जा रहा है किट वगैरह, नीचे अपने को स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिल रही है। एंड अगर साइज़ की बात करेंगे तो भाई ये आपको 15 इंचेस की मिल रही है एज अ रिम व्हील। एंड ये था भाई 521 लीटर की, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा, ऊपर अपने को प्रॉपर कवरिंग वगैरह मिलता है ट्रंक को, यहाँ पे रियर कैमरा वगैरह आ रहा है, क्लोज करते हैं। ये थी प्रॉपर इसकी रियर प्रोफाइल अपने स्लाविया की, एंड लुक चेकआउट करो गाइस, काफ़ी बढ़िया लगती है और काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं भाई, इतनी तगड़ी ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब 179 mm के साथ बहुत बढ़िया। अगर आपको इसको लेके भाई थोड़ा सा पहाड़ वगैरह इलाकों में जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेके जाइए एकदम बढ़िया सा 521 लीटर की बूट स्पेस, सही है, पूरे खानदान का सामान आप रख सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशन की बात करेंगे तो ओवरऑल लेंथ मिल जा रही है आपको 4541 mm की, विथ 1752 mm की मिल रही है, हाइट 1507 mm की मिल रही है, व्हील बेस मिल जा रही है 2651 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस अपने को 179 mm की मिली थी, मैंने दिखाई दिया, एंड 1216 kg की आपको कर्वेट देखने को मिल जा रही है। एंड गाइस अगर बात कर लेते हैं इसके हम लोग
सेफ्टी फीचर्स की तो एज अ स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको 6 एयर बैग एबीएस सीबीडी सेंट्रल लॉकिंग चाइल्ड सेफ्टी लॉक अंतिम तलाम सीट बेल्ट वार्निंग डोर वार्निंग ट्रैक्शन कंट्रोल टाइप एशो मोटर सिस्टम इंजन इमोबिलाइजर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्पीड अलर्ट आइसोफिक्स साइड स्विच माउंट स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक एंड 5-star रेटेड अपनी प्रोडक्ट है ये भाई। तो सेफ्टी में कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल होने वाली नहीं है, स्कोडा की प्रोडक्ट है भाई, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी में भी एक नंबर है। अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को ऑफर हो रही है स्लाविया एम्बिशन वेरिएंट में। जैसे ही डोर पैनल को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा ओवरऑल पैनल मिलता है जो कि बेज एंड ब्लैक कलर में आ रहा है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल रहा है, इधर हार्ड प्लास्टिक पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट क्रोम फिनिश में मिल जा रहा है। लीवर्स वगैरह स्पीकर प्लेस में बॉटल होल्डर कुछ स्पेस, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं। बाकी गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर मिल रहा है जो कि भाई बेज है पियानो ब्लैक क्रोम इंसर्ट्स स्पोक ब्लैक के साथ आ रहा है। अंदर चलेंगे प्रॉपर हर एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे भाई आप देख रहे हैं तो अपने को सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को भाई मिल जा रही है फैब्रिक सीट से, हेड रेस्ट दोनों एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जा रहे हैं। इंटीरियर चल ही रहते हैं भाई इसके इंटीरियर में। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, क्लच फंक्शनैलिटी देखने को मिल रही है भाई। ये भाई इसका ओवरऑल डैशबोर्ड अपने स्लाविया एम्बिशन वेरिएंट में। सेकंड बेस मॉडल में भी काफ़ी बढ़िया सा लोडेड अपने को डैशबोर्ड देखने को मिल जा रहा है और डोर ट्रंक को आप ओपन करेंगे एक हैवीनेस आपको लगेगा। सो गाइस कुछ ऐसा एनिमेशन लगता है जैसे ही आप अपने इग्निशन को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल सबसे पहले क्लचर को ही देखते हैं तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा जहाँ पे गाइस इधर स्पीडोमीटर इधर टैकोमीटर नीचे अपने को मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर इधर फ्यूल गेज यहाँ पे आपको सीट बेल्ट रियल टाइम वेदर टेम्परेचर इंजन टेम्परेचर बीच में स्पीडोमीटर और ट्रिप मीटर रियल टाइम एंड व्हीकल के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने क्लचर में मिल जाता है। इधर अपने को सेट के नेम से 2 बटन्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग को देखने गाइस काफ़ी बढ़िया लेदरॉइड 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स पियानो ब्लैक वगैरह मिल जा रहे हैं। राइट साइड में मिलेंगे भाई अपने को MID कंट्रोल, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो ऑडियो कंट्रोल इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल टॉगल को देखेंगे तो राइट साइड में मिल जा रहे हैं अपने को वाइपर कंट्रोल, लेफ्ट साइड में मिल रहे हेडलाइट्स के कंट्रोल। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट को देख लेते तो आती है भाई अपनी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आती है 2-way एडजस्टेबल अपने को स्टीयरिंग व्हील मिलती है। एंड उसी के बाद गाइज अगर देख लेते हैं भाई हम लोग अपने राइट साइड कंट्रोल को तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल रहा है काफ़ी बढ़िया। ये गाइज आपको ब्रॉन्ज फिनिशिंग पियानो ब्लैक नीचे हेडलाइट लेवलर और यहाँ पे आपको हेडलाइट्स कंट्रोल काफ़ी बढ़िया गाइज ओवरऑल देखेंगे तो अपने को मिल जा रहे हैं। इधर कंट्रोल वगैरह लोडेड है। बाकी सेंटर में आ रहे हैं तो गाइज यहाँ पे आपको 8 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिल जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले को। उसी के रिगार्डिंग साइड में आपको फंक्शन बटन कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिलता है पियानो ब्लैक AC वेंट्स मिल जा रहे हैं, हज़ार की बटन मिलेगी। यहाँ पे भी गाइज आपको काफ़ी बढ़िया छोटे छोटे क्रोम की यूज़ की गई है, ऑटो AC देखने को मिलता है। इधर आ रहे हैं तो गाइज देख रहे हैं तो अपने को कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है, 2 Type-C पोर्ट्स आ जा रहे हैं। एक सेकंड गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, इधर अपने को 2 Type-C पोर्ट मिल जा रहा है, स्पेस है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई इसका गियर लीवर। एंड अगर देख लेते हैं भाई यहाँ पे आपको रियर कैमरे की क्वालिटी कैसी देखने को मिल रही है, कुछ ऐसे गाइज यहाँ पे आपको रियर कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जा रही है। ठीक है क्वालिटी वगैरह भाई सही है, अभी डस्ट भी पीछे होगा तो उसको हटाने के बाद ठीक हो जाएगा भाई। बढ़िया यहाँ पे आपको रियर कैमरा की क्वालिटी देखने को मिल जा रही है। उसी बाद यहाँ पे आपको भाई डोर लॉक अनलॉक एक डेडिकेटेड बटन आइडल स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे आपको 12 वाट का मिल जाता है भाई पावर सॉकेट। यहाँ पे आपको मिल रहा है कप होल्डर हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिल रहा है आर्मरेस्ट विद स्पेस। यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स में स्पेस मिल रहा है यानी कूलिंग के साथ आता है, मैनुअल डेनिम IRVM ऊपर लाइट अपने को LED मिल रहा है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर ऊपर मिल जा रहा है एंड गाइस को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर के साथ मिल रहा है सनवाइजर एंड यहाँ पे आपको हैंडल मिल जा रहा है। ड्राइवर साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर का सनवाइजर एंड ड्राइवर साइड भी अपने को हैंडल मिल रहा है भाई, बढ़िया बात है। ऊपर देख रहे हैं तो गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल एम्बिशन वेरिएंट में अपने को मतलब सेकंड बेस मॉडल में काम की पूरी चीज़ मिल रहा है, बाहर जाकर काम कराने की जरूरत नहीं। इंफोटेनमेंट देखेंगे 7-8 inches का मिल रहा है और इसी के साथ अपने को स्पीकर वगैरह भी देखने मिलते हैं 6 एयरबैग पर। ठीक है भाई अब चलते हैं इसके सेकंड रूम में एंड यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, इसको करते हैं ऑफ। अब चलते हैं सेकंड रूम में देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें अपने को ऑफर हो रही है, कैसा स्पेस देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हीकल के इंजन के बारे में। सेकंड रूम में आ रहे हैं तो गाइज यहाँ पे अपने को देख रहे हैं तो बेज कलर, यहाँ पे फैब्रिक प्रिंट मिलेगी, हार्ड प्लास्टिक, पावर विंडो कंट्रोल और गाइज ये ओवरऑल काफ़ी बढ़िया इंटीरियर स्पेस भी मिल रहा है। गर्मियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज रियर AC वेंट्स आ रहा है। हेडरेस्ट 3 है, 3 एडजस्टेबल हैं एंड 60-40 स्प्लिट सीट है। आर्मरेस्ट मिल जा रहा है विद 2 कप होल्डर, यहाँ पे आपको 2 Type-C पोर्ट, सेंटर पैसेंजर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी बिकॉज बहुत ज़्यादा तो हमको नहीं मिलता एंड स्पेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहती है व्हीकल अपनी। एकदम आप बैठ के चलेंगे एकदम लॉन्ग राइड पे जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे आपको स्पेस की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, नी रूम लेग रूम फोटो रूम बढ़िया है, अंदर थाई सपोर्ट ठीक ही था। एंड अगर हेडरूम को देख रहे हैं भाई सेडान के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आपको अपने को हेडरूम देखने को मिल जा रहा है। बाकी ऊपर गाइज अपने को रूफ मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई हैंडल प्लस हैंगर दोनों ही तरफ, क्वार्टर विंडो छोटा सा पीछे आपको मिल रहा है, डिफॉगर वगैरह पीछे मिला था। बाकी गाइस इंटीरियर स्पेस बढ़िया है, पावर विंडो कंट्रोल सभी चीज़ देखने को मिल जा रहा है, Type-C पोर्ट वगैरह भी है इसलिए मोबाइल वगैरह आप चार्ज कर सकते हैं। अब चलते हैं भाई इसके बाहर और देखते हैं इंजन में क्या अपने को पावर इंटॉक भाई मिल जा रहा है।
सो गाइस हुड ओपन कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे गाइस आपको एक लीवर मिल जाता है, यहाँ से आप इजीली अपना हुड ओपन कर लेंगे। एंड गाइस इंजन भी ओपन करने में कुछ ऐसा होल सीन मिलेगा, कोई भी इंसुलेटर आपको इसको हुड पे नहीं मिलते हैं। यहाँ फ्यूल पर प्लेसमेंट, बैटरी प्लेसमेंट, वाइपर फ्लू, वॉशर फ्लूड मिल जाता है, कुछ ऐसा होल इंजन मिल जाता है। यहाँ से आप फ्यूलिंग कराएंगे, नई देर से इंजन ऑयल चेक करेंगे, कूलेंट का सेटअप मिल जाता है। इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 999 cc 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर 113.9 bhp की मिली, 5500 rpm पे। एंड टॉर्क की बात करें तो 178 nm की टॉर्क मिली 4500 rpm पे। 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आ रही थी एंड 521 लीटर की यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जा रही थी भाई। सो गाइस ये था भाई अपने स्कोडा स्लाविया एम्बिशन 1.0 TSI का फुल डिटेल रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर एमिशन वेट सेफ्टी फीचर्स हर एक चीज़ मैंने बता दी भाई। अपने हिसाब से गाड़ी या अपने सेगमेंट में भाई एक नंबर है, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस। आप इसको चलाएंगे तो सभी सडान चला के आइए, एक बार इसको चलाइए तो आपको अलग ही एक फील आने वाला है। बाकी गाइस ये थी इसकी फुल डिटेल रिव्यू, होप करता हूं सभी को पूरा डिटेल समझ में आ गया। बाकी कोई चीज़ मिस हो गया फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन शो पाने के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।